क्या लिख रहे हैं? झेर जेवो प्रतीत करे हो तो पूर्वा पर तेनो संभव ओछो थाय। अहम भाव अहम भाव अहम भाव तेरे को अच्छा नहीं लगता हो, पहले प्रतीति कैसी करियो? जहर 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 जहर। देखो जहर जे वो प्रतीति, समझ में आए? अहंकार। अभी और आगे पढ़ो, तो पूर्वा पर तेनो संभव ओछो थाए, कहीं के कहीं अंतर मां। बस ये लाइन पढ़ो जरा, मिल गया? पानो नंबर 524 है हमारे में, 524 है ना, जरा देख ही लो, बढ़िया सुंदर प्रकरण है। देखो पूरे ही पढ़ लेते हैं। जेने 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 सदगुरु ने विषय तथा तेमनी दशा ने विषय विशेषपणु दीठू छे, तेने तेने घणु करीने अहम भाव तथा रूप, तथा रूप उस रूप, अहम भाव माने उस रूप प्रसंग एवा प्रसंगों में उदय थतो नथी अथवा तरत समाय छे। ते अहम भाव ने जे आगड़ थी माने इन एडवांस, अहम भाव को इन एडवांस माने पहले से ही जेर जे वो प्रतीत करियो होए तो पूर्वा पर तेनो संभव ओछो थाय, कहीं अंतरमा चातुर्यादि अंडरलाइन करो चातुर्यादि समझ गए? चातुर्यादि चतुराई, काहे की चतुराई? रसोई बनाने की, अभी बताया था ना दृष्टा, चतुराई कमाने की। अरे ये सब लोग कुछ नहीं समझते, वो तो मैं आया फिर मैंने कहा ऐसा डिजाइन डालो, पंडित जी बोलो कैसी रही डिजाइन, मैंने डलवाई, ये सब समझते नहीं। अरे मूर्ख, पुद्गल की चतुराई करता है पुद्गल में चतुराई क्या कह रहे हैं? देखो तो चातुरी आदि, चतुराई आदि, कथन आदि, आदि आदि में तो बहुत बात आती है। चतुराई आदि भावे मिठास सूक्ष्म परिणति है, पणु राखी होए, पण राखी होए, पण 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 सूक्ष्म, क्या सूक्ष्म परिणति है? सूक्ष्म परिणति अभी मैंने बोला था ना, पकड़ में नहीं आती, पड़ी रहती है। तो आज डायरी में लिखना, इस संकुल में से हम कभी भी लाख पाप का उदय हो जाए, लाख इंसल्ट हो जाए, लोग उठा के भगा दें, मेरे को उठा के धक्के मार के निकाल दें, तो भी मैं आत्म कल्याण के लिए ये संकुल नहीं छोड़ूंगा, मैं स्वाध्याय नहीं छोड़ूंगा, मैं वेद विज्ञान का अभ्यास नहीं छोड़ूंगा, तो फिर समझना कि दर्शन मोह का अभाव होगा। और नहीं तो तुझे ना तो स्वयं में भगवान आत्मा दिखाई देगा दर्शन मोह का उदय, और ना दूसरे में भगवान उदय भगवान आत्मा दिखाई देगा। मैं सच बोलूं एक बात, पूरे हिंदुस्तान का जो अनुभव है बोल दूं? बोलो, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूं, क्योंकि आप सब ट्रस्टी हो इसलिए, लेकिन मैं आपको भगवान देख रहा हूँ और भगवान देख करके बात कह रहा हूँ कि सारे हिंदुस्तान में सबका कल्याण हो सकता है लेकिन ट्रस्टियों का नहीं हो सकता। उल्टा नहीं पकड़ना, ट्रस्टी भी अपने को भगवान आत्मा देखें तो हो सकता है। आप सारी व्यवस्था करो और यदि आपके चित्त में ये रहता नहीं मैं करता हूँ ये नहीं करते, मैं करता हूँ ये नहीं करते, मैं समझता हूँ ये नहीं समझते, वो हो तो कल्याण नहीं होगा। मेरे बहुत अनुभव है इस मामले में, बुरा तो नहीं माना ना आपने, क्योंकि आप ट्रस्टी नहीं हो, आप भगवान हो, हम आपको भगवान समझाने आए, हम ट्रस्टी बनाने नहीं आए। ट्रस्टी में ये तो अपना सौभाग्य है कि शासन की सेवा करने का झंडा अपने हाथ में है, वो तो अपन पूरी निष्ठा के साथ करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, नहीं करना ये नहीं, करना ही चाहिए। हम तो कह रहे भैया छोकरा व्यापार धंधा लड़ाई झगड़ा ये तो सारी दुनिया करती है, लेकिन भगवान का शासन चलाता है, भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। अरे इसमें कोई ताली भी पाड़ता है ना उसका भी महाभाग्य, ये तो महागर्व की बात है। हमने अनादिकाल से टेलीविजन के गाने देख करके ताली बजाई है, विषय कसायों की बात सुन के ताली बजाई है, कोई करोड़पति अरबपति खरबपति आ जाए ना तो एकदम ऐसे देखो है, अभी कोई लक्ष्मी मित्तल आ जाए, लक्ष्मी मित्तल तो समझते हो,
तो ऐसी आंख चौड़ी करके देखेंगे, आ मानो विदेश क्षेत्र से कोई सम्यक दृष्टि आया हो। अरे श्रीमद जी ने क्या क्या लिखा है पढ़ो आप, बनारसी दास जी ने क्या लिखा है, ओहो जिसे इंद्र की संपदा देख करके दया आती हो, इंद्र के भोग देख करके जिसे दया आती हो, दया संपत्तिशाली को देखकर आनंद नहीं आता, अरे जिसके मुख में भगवान बसा हो, जिसके हृदय में भगवान बसा हो, जिसकी दृष्टि में भगवान बसा हो, उसे देखने में आनंद आए, इसका नाम मुमुक्षु। पढ़ लेना आप, सब मिलेगा आपको इसमें। श्रीमद जी की घटना आती है ना, बॉम्बे, बॉम्बे में जा रहे थे शाम को घूमने के लिए, फरवा माटे शाम को घूमने जा रहे थे। एक भाई बोले, साहेब आ शमशान छे, याद आई क्या बोले श्रीमद जी, अरे हमें तो पूरा का पूरा बंबई शमशान नजर आता है। ये क्या दृष्टि का कमाल होता होगा बस, और सरल है, कठिन नहीं है। अभी इसमें एक शब्द आने वाला है बहुत अच्छा, नो भ्यालू अंतर भव दुख, अरे मुझे भव के दुख पसंद नहीं है, मुझे भव के दुख पसंद नहीं है। बहुत कल्पना करो आप जरा, एक स्त्री का पति गुजर गया हो, उसे बंबई अच्छी लगेगी, वो ट्रेन अच्छी लगेगी, दिल्ली की कौन सी मेट्रो ट्रेन, कलकत्ता की मेट्रो ट्रेन, और अमेरिका घुमाए उसको, बोलो कौन सा मैसूर पाक खिलाएं उसे, क्या खिलाएं बोलो वो प्रसन्न हो जाए। अरे जिसका पति गुजर गया उसे कहीं चैन नहीं पड़ती। ऐसे जिसको संसार का दुख अच्छा नहीं लगता, जिसको भगवान आत्मा अच्छा लगता है, उसे बंबई हो कि घर हो कि जंगल हो, उसे तो आत्मा में आनंद लगता है, बाहर आनंद लगता। कठिन तो नहीं चल रही बात, चल अब तो पढ़ू और आगे, अभी काय का अर्थ किया इसमें देखो जरा, चातुर आदि, फिर से पढ़ रहा हूं, चातुर आदि, चातुर चतुराई समझ गए, थोड़ा गाने की चतुराई, थोड़ा भजन जोड़ने की चतुराई, वो क्या कहलाते हैं आंसू, आंसू आंसू क्या बोलते हैं, फटाफट भजन लिख देवे प्रभु, ये चतुराई में मिठास होए तो क्या लिखा है, सूक्ष्म परिणति पण राखी होए, स्थूल तो नहीं, स्थूल माने जो सबको पकड़ में आ जाए, स्थूल और सूक्ष्म में क्या अंतर, स्थूल माने सबको पकड़ में आ जाए और सूक्ष्म माने किसी के पकड़ में नहीं आए। सब ऐसे बोले पंडित जी बहुत अच्छे, बिल्कुल मान कसाई नहीं है, कितनी लघुता है, अपने हाथों से सारा काम कर लेते, अरे भैया कोई ऐसे ऐसे रहते ना, ना प्रभु अंतर में सूक्ष्म पड़ी रह जाए। और आगे पढ़ो, सूक्ष्म परिणति पढ़ राखी होए तो ते पूर्वा पर विशेषता पामे छे, आगे पण झे, जोर से पढ़ना भैया क्या लिखा है, पक्की बात है, पक्की बात है, झेरच है, निश्चय झेरच है, ले एक बार नहीं, अब मेरे ख्याल से तो ये लिख लो दर्पण के ऊपर लिखो, श्रृंगार किसके लिए, प्रशंसा सुनने के लिए ना, झेरच है, ईस्ट मैन कलर के कपड़े क्यों पहनना, चमक क्या, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, सब सफेद पहनते हैं बहुत अच्छा, बदल बदल के काहे के लिए पहनते हैं, थोड़ा लगना चाहिए कि नहीं, आई एम समथिंग, अरे तू प्रभु है कि समथिंग है, समथिंग क्या होता है, समथिंग क्या होता है, हम भी कुछ कुछ क्या है, तू प्रभु है, अरे नहीं, ओ जो देह हमें पसंद नहीं है उस देह का श्रृंगार कैसा, जिस घर को आपको छोड़ के जाना हो उस घर की रिपेयरिंग तो बहुत करवाते होगे आप, 10-5 लाख रुपए का कलर कराते होगे, हाँ प्रभु, दिगंबर मुनि भगवंत कहो, साधक संत कहो, जो विरक्त हो जाए, श्रीमद जी का देखा है हमने, देखो पड़ोसी का बगीचा याद आ गया, पड़ोसी का बगीचा है सूख जान दे कहीं, अब हमारा बगीचा हरा भरा हो रहा है, बोलो कौन सा सुखाना है, कौन का सुखाना है, अरे प्रभु अपना हरा भरा कर, इसकी इसका तो जो इसका भी चिंता नहीं करो, यदि तुम्हें चिंता लगे तो कल आओ ही नहीं, ऐसा नहीं पंडित थोड़ा इसको अभी तो ठीक रखना है, अरे तो अनादिकाल से ठीक ही है, क्या कहें, और ये ठीक कभी हो नहीं सकता, और सुन जितना अच्छा रहना है ना वो कर्म के उदय प्रमाण रहना है, जीवन भर आयु पर्यंत 8 कर्म के उदय में पैकेज है वो, तो पैकेज
कितना क्षोभसम रहेगा वो रहेगा ही, तू मान चाहे मत मान, शरीर रहेगा ही, साता रहेगी, संयोग रहेगा, परिवार रहेगा, उसमें गड़बड़ नहीं होनी है। गड़बड़ करनी है तो केवल मोह में। क्या कहा? काय में गड़बड़ करना है? मोह। काय में गड़बड़ करना है? मोह कौन सा? दर्शन मोह। फिर से पढ़ो, मुझे तो छू गया, देखो कितना अच्छा लगा। निश्चय, पहले क्या लिखा था? तीसरी बार कह रहे हैं, ऊपर भी लिखा था इन एडवांस, आगड़ थी पहले से ही, अगाऊ थी, क्या लिखा था ऊपर? ये शब्द लिखा था ऊपर, आगड़ थी, आने जीते आगड़ थी, झेर जे वो प्रतीत करियो होए तो ओछो संभव था है। ओछा होना घटना संभव है, लेकिन लेकिन नीचे अब झेर अच्छे, निश्चय झेर अच्छे। अल्ले चौथी बार और पढ़ो, प्रगट काड़ कूड झेर छे, एमा कोई रीते संशय नथी, अने संशय थाए तो ते संशय मानवो नथी। अब बोलो भैया, चलो भैया भगवान बनना है कि नहीं? जल्दी फिर से पूछ रहा हूं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पर मूल मारक का सोचना जरा। बस आज सामायिक करोगे ना? क्या करते हो आप सामायिक? देव बंधन, खरेखर देव बंधन है, देव की बात मानना, जिनेन देव की बात मानना खरेखर देव बंधन है। आज बैठ जाओ बिल्कुल साक्षात। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, नीचे लिखी इधर सीमंतर भगवान के सामने, कि तुझे यदि अपनी छोटी छोटी भूल दिखाई दे रही है, मतलब क्या लिखा है? हाँ, महाकल्याण, महाकल्याण का भागशाली है तू। आज देखो अपने को, भजन गाने के पहले तैयारी कर लो, भजन की तारीफ नहीं मिलेगी मुझे किंचित दुख नहीं होगा, आज मेरा प्रवचन बढ़िया नहीं होगा कोई दुख नहीं होगा। करेंगे बुद्धिपूर्वक, नहीं गलत करेंगे, वो बुद्धिपूर्वक गलत नहीं करेंगे। ओहो आज मेरे पाप का उदय, प्रैक्टिकल थोड़ा और आगे बढ़ा दो, बढ़ाऊं क्या? डर तो नहीं लगता ना? बता दें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रेडी रहो आप, रेडी रहो। अभी आगे चलो, थोड़ा कड़क है थोड़ा, है ना? देखो बहुत जोरदार बात है, एक दो बच्चे हैं स्कूल के, दो तरह के बच्चे, यूँ समझ लो कि टीचर जब पढ़ाई कराते हैं ना, तो बच्चे पढ़ते तो टीचर कहता है अब तुम्हारा टेस्ट लेंगे हम, तो जिनको समझ में आ जाता है वो तो कहते हैं यस सर, और जो बच्चों को समझ में नहीं आया तो सर कल ले लेना। चलो दूसरे दिन की बात, बोलो बेटो जो हमने पढ़ाया वो कहाँ से प्रश्न पूछे, कठिन की सरल? अब जिसने जिसने तैयारी करी होगी, सर कहीं से पूछ लो, और जो नहीं होगा तैयारी नहीं होगी, पुरुषार्थ, इसको हम पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ नहीं होगा, सर पहले तीन में से कोई सा भी पूछ लो, सरल सरल पूछ लो, दृष्टांत तो हो गया, लंबा नहीं देना है ना। एनुअल एग्जाम अगले 15 दिन बाद, जिसकी तैयारी होती वो तो कहता है हाँ मजा आ गया, और जिसकी तैयारी नहीं हो तो इतनी जल्दी, अब तो समझ गए साइकोलॉजी। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने जीनियर्स हैं, कितने सीनियर हैं कितने जूनियर हैं, माने आपकी कब से तैयारी चल रही है मुझे नहीं मालूम, बट यू हैव टू चेक योर सेल्फ, यू आर करेक्ट और नॉट, आपका पुरुषार्थ कितना हुआ नहीं हुआ, चेक एंड करेक्ट, बोल ना करेक्ट, हाँ डर नहीं बोल, अंग्रेजी नहीं आती, अच्छा तो कोई बात, करेक्ट तो बोल सकते हैं ना, करेक्ट, बहुत बढ़िया, समझ में आया आपको? अभी आपको चेक करना है, छोटे छोटे पाप के उदय और पुण्य के उदय आते हैं ना, वो आपका यूनिट टेस्ट है, पर डे का टेस्ट है, वो आपके अहंकार की परीक्षा लेने आता है, पर डे का आता है ना, कभी आता तो है ही कुछ ना कुछ, जरा चोट लग गई तो एकदम एक्साइट हो गई, गुस्सा हो गई, गाली देने लगी, किसी दूसरे को दोषारोपण करने लगी, फेल, यू फेल्ड इन स्वाध्याय, यू फेल्ड टू अचीव भगवान आत्मा, यू फेल्ड टू अचीव सम्यक दर्शन। आपको कोई बुराई कर दे ना, बुराई, इट इज योर टेस्ट,
पेशेंस टेस्ट, संयम का टेस्ट, भेद विज्ञान का टेस्ट। आपने इतनी देर से, इतने दिनों से सुना है देह से भिन्न भगवान आत्मा हूँ, इसका क्या हुआ? जरा किसी ने कह दिया तुम तो बिल्कुल काले लगते हो, सांवले लगते हो, तुम्हारे चेहरे का कलर ठीक नहीं है, इतने में तू इतना डिप्रेस हो जाता कि महीनों 10 साल बाद भी वो आदमी मिले तो ऐसा लगता है अरे गजब हो गया, 10 बरस तुझे खबर है, तूने 10 बरस दर्शन मोहिनी बढ़ाया, तूने अपने भगवान आत्मा पर ब्लैक कलर पोता है, प्रभु तुझे भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आएगा, तू भगवान की वाणी सुन तो नहीं आएगा। इतना गंभीर बात लिखी है इसमें, झेर कालकूट झेर छे। अब सोचना इसका कितना अर्थ हो सकता है, कालकूट झेर। बोलो भगवान बनना है, अभी ऐसा लगना चाहिए, यहां से सुनने के बाद आप घर जाओ और बहू आए और आपको जरा बुरा बोल दे, ठीक से नहीं बोले, डिसऑनर करे, एकदम मुस्कुराओ, बेचारी बहू ये मुझे सास समझती है, मैं भगवान आत्मा हूं, इसे क्या खबर है। आप मुस्कुराओ, आप मुस्कुराओ और पीछे से बहू के पास जाकर बोलो, भगवान आत्मा तमे पण परमेश्वर छो, आ तमारू ना मारू छेल्लो भव छे, स्त्री पर्याय न बेटा, मेरे से कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना बेटा, तू भी अपने को भगवान देख, मैं मजे में जाती हूँ, तू भी मजा कर जा। बोलो यार, घर में झगड़ा बढ़ेगा कि अब मुझे नहीं मालूम झगड़े का क्या होगा, लेकिन मेरा दर्शन मोह घटेगा। देखो दर्शन मोह काटने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, दर्शन मोह काटने के लिए वो कुदाली नहीं चाहिए, फावड़ा नहीं चाहिए, क्या क्या कहलाता जो क्या बोलते हो गुजराती में अच्छा शब्द, क्या बोलते हैं इसको, हाँ हाँ जी, मैंने वो नहीं चाहिए प्रभु, ये चाहिए, तू परीक्षा के लिए तैयार है। कोई गरीब कह दे, अरे तो गरीब का, ये तो कर्म के उदय को बोला, मुझे कहाँ बोला, भेद विज्ञान का ना मूल मारक, मूल मारक प्रभु, तू देह से भिन्न भगवान है, ये मूल मारक है, देह थी भिन्न भगवान छो, मूल मारक से समझाता है। जरा कोई बोलते अरे तुम्हारी बाल सफेद हो गए, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे ये भगवान मालूम नहीं था, नहीं तो पहले से ड्राई करा लेता, ड्राई करा लेता, मायाचारी करता है, सफेद को सफेद नहीं दिखा सकते, मायाचारी, ओ, ओ तुम कहां तक करोगे इसे। हिमगिरि समान सुंदर बदन, हिमगिरि समान क्षण क्षण प्रत्येक गल रहा, वो तू कहां तक संभालेगा इसे, दांत चले जाएंगे, दांत लगा लो, क्या क्या करोगे, क्या क्या बदलोगे, हड्डी बदलोगे, क्या क्या बदलोगे, पॉइंट पकड़ में आया आपको, बस आज मैंने सब पढ़ा दिया आपको, आपको प्रत्येक पॉइंट पर पाप का उदय हो, पुण्य का उदय हो, अपयस हो, यस हो, बस केवल कीप स्माइल, स्माइल फेस ओनली। काय का उपाय बताया, दर्शन मोहि को, आर यू रेडी और नॉट। एक मेरी भावना है, सबने पढ़ी होगी, पूरे हिंदुस्तान में ही लगभग फेमस है वो, कोई बुरा कहो या अच्छा, रेडी लिख लो, आज लिख लो डायरी में, आज आई एम रेडी टू लिसन, कोई बुरा कहो या अच्छा। अपन रोज दान देते हो और कोई कहे है तुम दान तक नहीं देते, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अब आगे भी बहुत लिखा है, मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता, टाइम बचाना चाहता हूं, चलूं अब तो आगे, फाइनल कर दूं इसको, फिनिश प्रैक्टिकल, शाम को रिपोर्ट करोगे मेरे को आप कि कल करोगे, कि साहब आज इधर इधर मैं मुस्कुराया। अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे थे सोनगढ़ में, अपने बच्चे पढ़ते ना हॉस्टल में, मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक बात ऐसी कोई आई होगी तो मैंने प्रैक्टिकल कराया, तो मैंने कहा बच्चों हमको बताना, तो बच्चों ने बताया बाकायदा कि आज हम 16 बार मुस्कुराए, उसने हमें गाली दी स्कूल में, उसने हमको धक्का दिया और हमें फौरन मुस्कुराहट आई कि हम भगवान आत्मा है। बोलूं उनको क्या बात कही थी, आपको बोलूं, पता नहीं आपके यहाँ कोई लैंग्वेज का फर्क होगा, ट्रांसलेशन कर लेना आप,
लेकिन एक बात कहते हैं, जब कोई झगड़ा हो जाता है ना, झगड़ा, तो एक धमकी देते हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। तो हमने अपने बच्चों को सिखाया था, सोनगढ़ के बच्चों को, कि तुम भी बोल देना हम भी तुम्हें देख लेंगे। क्या देख लोगे? कि हम तुम्हें गाली का अकर्ता देख लेंगे, हम तुम्हें भी भगवान आत्मा देख लेंगे। तुम गाली दोगे हम मुस्कुराएंगे, बस ये भेद विज्ञान। हमें सीखना कुछ नहीं है, इतना से भेद विज्ञान करने करते मोक्ष चले जाएंगे। हमें मालूम बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल ठीक है। अब तो आगे बढ़ जाऊं, बात पूरी कर दूं इसको, अभी पूरी नहीं करी। आह प्रभु, पहले नंबर नक्की कर, तू मूल मार्ग क्या है? मूल मार्ग है कि तू देह नहीं है, देह से भिन्न भगवान है। कर्म का उदय नहीं है, तू उदय थी, भिन्न भगवान छे। नक्की कर, नक्की कर, सांभड़ एटले नक्की कर, सांभड़ एटले फील कर, फील 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 कर। चलूं आगे? चलूं? बहुत मार्मिक बात कहनी है, समझ में आ जाए तो बहुत मजा आ जाए। आज कल्पना करो जरा, हमारा सचमुच पुण्य का उदय तब है वो, जब कोई हमारी प्रशंसा करे। ध्यान से सुनना, वाक्य बदल रहा हूं। हमारा पुण्य का उदय तब हो जब कोई हमारी प्रशंसा करे। परंतु हम माने क्या? शरीर की आत्मा। फिर से कहता हूं, फिर से बोलूं, दोपहर के टाइम कठिन चलेगा, मतलब कठिन मतलब थोड़ा सूक्ष्म चलेगा। वैसे है ही क्या? अपन ही अपन तो है ही, नींद तो आई नहीं रही होगी। ले लूं क्या? अरे बोलो तो हाँ या ना। ठीक है, देखो, अपनी निंदा सुनने में पाप का उदय और अपनी प्रशंसा सुनने में पुण्य का उदय। बराबर बराबर है, बराबर बराबर। बस अनादिकाल से ये गलती हुई, अपन है कौन? अरे दुख की बात है कि मिथ्या दृष्टि पर की प्रशंसा सुनकर खुश होता है और अपनी प्रशंसा सुनकर दुखी होता है। मैं यदि कोर्ट में खड़ा होता और आप सब जज होते तो मैं कहता पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड। मैं दलील दे रहा हूं आपको, दलील। फिर से बोलूं, क्या कहा भैया? नाम बोलो भैया, नाम क्या है आपका? दिनेश, दिनेश भाई, समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोला मैंने, फिर से बोलने जा रहा? मिथ्या दृष्टि पर की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है, उसे स्वयं की खबर ही नहीं है। सही बताना ईमानदारी से, आपका करोड़ों का बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जो भी हो, हमें नहीं मालूम, जो भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो, उसकी प्रशंसा करने वाले बता सकते हो कितने हैं? 100, 200, 300, 1000, 5000, बोलो, इससे ज्यादा हैं? ईमानदारी से लिस्ट बना के लाना, आपकी प्रॉपर्टी, जिसको आप प्रॉपर्टी कहते हो, उसके प्रशंसा कितने हैं? मैक्सिमम, मैक्सिमम गिन लेना। हम, मैं बताऊं आपको, तेरी प्रॉपर्टी के प्रशंसक अनंत सिद्ध भगवान हैं, अरहंत भगवान हैं, साधु संत हैं, केवली भगवंत हैं। वर्तमान काउंटिंग बताऊं केवली भगवान की? केवली भगवान वर्तमान में कितने भगवान? 13वें गुण स्थान बढ़ते 898,502। कितने? 898,500। इतने भगवान तो अभी 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 हैं जो तेरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन दिक्कत वही ना, हमें पर का परिचय है, स्वयं का परिचय। अब बोलो, इस विश्व में 8,09,000 कर दो काय गोपन, क्या कहते हैं, अबाउट लम्स, हाँ, राउंड फिगर, इन द राउंड फिगर 9,00,000 है किसी के? मैं तो कहता हूं एक नाटक लिखो छोटा सा, बच्चे करे नाटक, अहंकार का नाटक, ईगो का, है मेरा इतनी प्रॉपर्टी, मेरा इतने प्रशंसक, फिल्मी हीरो कहे कि मेरे इतने प्रशंसक, 10,50,00,000, 1,00,000। वो कहे भैया मेरे प्रशंसक तो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। अब बोलो आनंद कब आना चाहिए? भरतेश बेवम में ऐसा लिखा है, दूसरी जगह भी लिखा है, दो जगह लिखा है, इतना सुंदर लिखा है। अरे तू उस घर को अपना घर कहता है जहां कोई तुझे पहचानता तक नहीं।
बात समझ में आई कुछ? तो उस उनको अपना कहता है जो कभी तुझे आत्मा कहकर नहीं बुलाते। फिर से बोलो, तुम उनको अपना कहते हो जो कभी तुम्हें आत्मा कहकर नहीं बुलाते। नहीं समझ में आया? तीसरी बार बोलता हूं, सुनना ध्यान से, समझ में आ जाए। तो सबने अपने अपने स्वार्थ का नाम रखा है, पति देव, देव। समझ गए? क्या क्या कहूं, एक एक अर्थ करूंगा तो समय हो जाएगा, आप तो समझ लो। सेठ जी, कौन कहेगा सेठ जी? सारी दुनिया जिस नाम से आपको जानती है वो उनके उनके प्रयोजन साधने के लिए, तेरा प्रयोजन साधने के लिए। सच्ची बता ना, आज आपने रोटी नहीं खाई, शाम को भोजन नहीं किया, तो पत्नी आपको बहुत चाहती होगी ना, तो आपको नरक पहुंचाने के लिए बोलेगी, रात्रि भोजन कर लो ना। कहां पहुंचाने के लिए? प्रेम है आपसे, रात्रि भोजन करो। नहीं देखो कितना बढ़िया जमीकंद का बनाया हमने, जमीकंद का टेस्टी, जरा खाके तो देखो एक बार। मने प्रेम, तुम इसको प्रेम कहते हो? प्रभु तुझे खबर नहीं है। सच्ची पत्नी यदि सम्यक दृष्टि हो और तेरे को आत्मा पहचानती हो, शरीर नहीं आत्मा पहचानती हो, तो वो तो ये कहेगी, सुनो अपने को भगवान आत्मा देख कर सो, कल नींद खुली कि ना खुली, आज तुम अपने को भगवान देख कर सो, अपना अनुभव करके सो। तुम सम्यक दर्शन के बिना अपना जीवन पूरा नहीं कर देना, नहीं तो ये सेवा कोई सेवा नहीं है, ये निर्माण कोई निर्माण नहीं है। तुम्हारा करोड़ों रुपए का दान हो सकता है, कोई बड़े बड़े ट्रस्टी, ट्रस्टी माने दूसरे संस्थाओं के, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना के पैसा ले जाएं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कह के तुम्हें, लेकिन बहुत बढ़िया तो तब हो जब तुम अपने को भगवान अनुभव करो। कुछ कहा मैंने, सुनाई पड़ा कि नहीं? कुछ कह दिया मैंने? चेक एंड ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि अभी तक ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो चाहता हूं कि हर पत्नी अपने पति को ये कहकर के सुलाए, हर बच्चे को ऐसा कहकर करे, बेटा तू भगवान आत्मा है। हमारे तो हॉस्टल में बच्चे पढ़ते ना, तो जब मैं कभी जगाना जाता था, पहले 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 जाता था, आजकल तो नहीं जा पाता। मैं कहता उठो बेटा, तुम परमात्मा हो, ये अनुभव करो बेटे। परमात्मा का स्मरण करके अपन परमात्मा है, अपने परमात्मा धन है। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। कितना लिखा है सच में, एक एक शब्द का अर्थ करने जाएंगे तो कितना समय होगा। समझ में आता भैया? तुम्हें प्रेम होता है ना, तो प्रेम अभी प्रेम श्रीमद जी सब लिखा है, ज्ञानी के ना प्रेम बदला ही जाए छे, ज्ञानी ना प्रेम नी दृष्टि बदलाई जाए छे, आखा जगत प्रत्येक दृष्टि मा फेर फार थई जाए छे। अब आप आत्मा देखो अपनी पत्नी को, जब तक आत्मा नहीं देखो तो दो सेकंड रुक जाओ, तमे पण परमेश्वर छो। आ राग नी मजबूरी छे पति पत्नी पणो, श्रद्धा नी मजबूरी नथी, श्रद्धा मा हूँ पण परमात्मा छो, तमे पण परमात्मा छो। राग घटता जाएगा, समाय जाए छे, लिखा ने तरस समाय छे, मिला तरस समाय छे, दूसरी लाइन इसी पैराग्राफ की, अथवा तरस समाय छे, उदय थतो नथी, अथवा तरत समाय छे। बोलो समन करना है कि नहीं करना है? अब फिर से पूछ लो, आपकी कोई निंदा हुई है क्या आज तक? किस किस की निंदा हुई, हाथ खड़े करो। हैं, सबकी निंदा हुई है? अरे आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं है। निंदा तो इसकी, फिर से बोलता हूं, फिर से, आज तक मेरी निंदा किसी ने नहीं की, जिसने की थी वो पर की थी, लेकिन गलती क्या हुई थी कि मिथ्या दृष्टि पर को स्वयं मानता था, मिथ्या दृष्टि। अब तुम बोलो, पंडित जी तुम बहुत काले लगते हो। पंडित जी क्या छे खबर छे? हाँ बस एक बात बता दूं, वेद विज्ञान इजिकल टू कीप स्माइल ऑलवेज, वेद विज्ञान इजिकल टू कीप स्माइल ऑलवेज। यदि आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, माने वेद विज्ञान नहीं, पक्की बात है, पक्की बात है।
समझ में आया कि नहीं आया? आप कल्पना तो करो, अभी मैं पुराण पुरुषों के नाम लेने बैठ जाऊं तो टाइम हो जाएगा, मैं चाहता नहीं हूं, टाइम घड़ी तो फास्ट भाग जाती है। मैं पुराण पुरुषों के नाम लूं, मैं ना सुंदरी की शादी हो रही होगी कोड़ी से, तो क्या हो रहा होगा, क्या हुआ होगा बोलो, कीप स्माइल। पारसनाथ पर उपसर्ग हो रहा है, कीप स्माइल। पांडवों पर, गज कुमार पर, कीप स्माइल। क्या गजब, काय के बल पर होता होगा। ओहो, पंडित साहब ने एक रचना लिखी बहुत सुंदर, रवीन जी साहब ने, जिनने मम रूप ना जाना, बे शत्रु न मित्र, न शत्रु न मित्र समान, जिनने मम रूप पिछाना, बे पूजे बे ज्ञानी पूजे है मेरे, जिनने मुझे आत्म जाना। अरे जिनको, जिन्होंने मुझे भगवान आत्मा जाना, बे तो मेरे। अभी फिर से बोलो, तुम आत्मा हो कि नहीं? आत्मा की निंदा लिखी किसी शास्त्र में? बोलो बोलो, आत्मा की निंदा कहीं लिखी शास्त्र में? तो आपने निंदा लिखी है कहीं शास्त्र में? अब एक काम करोगे, प्रैक्टिकल 6 दिन बाद जब भी आप बंबई जाओ, जहां जहां जाओ, जहां भी जाओ, जाओगे तो सही, कोई बात नहीं, चले जाना, तो बहुत तारीफ करके कहना, सुनो गजब हो गया। बोले क्या गजब हुआ? मुझे मालूम नहीं थी, मेरी बसियत मिल गई। बोले क्या? बारसा मिल गया। क्या? कि ये सारे के सारे ग्रंथ मेरी तारीफ से भरे। और इधर आओ, तुम्हारी भी तारीफ बताता हूं, इधर आओ, तुम्हें पण परमेश्वर छो, देखो देखो देखो। अरे मिथ्या दृष्टि ने क्या गलती करी थी? क्या गलती करी थी? कि जो सोए था उसे पहचाना नहीं, और सदा काल पर को सोए माना, इससे मूल मारक समझ में नहीं आया। कैसे अर्थ करूंगा? मुझे तो, मुझे भी लग रहा है डर, पूरा होगा कि नहीं होगा। ये मूल मारग सांभड़ो जिन नौरी। प्रैक्टिकल समझ में आया कि नहीं? क्या क्या लिखना है, होमवर्क करना है कि नहीं करना है? आज कर लो भाई प्रैक्टिकल, ज्यादा पढ़ाई भी नहीं हो रही, और शिविरों में तो 8-8, 10-10 पढ़ाते हैं घंटे, अपन तो 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हैं। लिखो भी जाकर चौकड़ी पे फटाफट। हाँ, आई एम रेडी, प्रभु देह छूटने से पहले मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान देखना है, मुझे देखना ही है भगवान, बस दर्शन मोहे। मैंने प्रैक्टिकल दर्शन मोहे बता दिया, आप कठिन शैली में सुनो तो वो भी सुना दूंगा, लेकिन अभी सरल शैली में सुना दिया। हाँ, कोई कहे शरीर की बुराई करेगा जा जा, कोई संयोग की बुराई करेगा, कोई पाप की हो देगी उनकी बुराइयां करेगा, मेरी बुराई कोई करता? अंतिम बात ले लूं अभी की, अंतिम कह रहा हूं, इसका मतलब कि दिमाग में बात आ गई इसलिए उसे अंतिम कह रहा हूं, फिर अपन अभी इसको और चलाऊंगा। अभी अभी अर्थ नहीं हुआ, तीनों लाइनों का अर्थ चलना है बाकी, ये तो अभी मैंने ऊपर ऊपर से अर्थ कर दिया, अभी मैंने कुछ कहा नहीं, अभी और सुनाना है मुझे। अभी तो मैंने श्रीमद जी का जो मूल थे ना वो सुनाया आपको, जरा सुनो क्या कह रहा था, भूल गया। हाँ सुनो, बहुत मार्मिक बात सुन लो सभी लोग, कर्णानियों की बात है, कर्णानियों बहुत जबरदस्त बात है, कर्णानियों की बात है, ध्यान से सुनना आप, जिंदगी भर मजा करो, इतनी अच्छी बात बता रहा हूं मन, भेद विज्ञान करने में कीप स्माइल ऑलवेज, पक्का। देखो ध्यान से सुनना है परिस। देखो बहुत सुंदर बात है, अपन सब एक तो मिथ्या दृष्टि को उल्टा उल्टा होता है सर, जिनवाणी में लिखा तो कुछ और है, एक सिद्धांत सोधी ने लिखा ना सिद्धांत, अब पढ़ेंगे इसमें मूल मार्ग में, जिन सिद्धांत को शोधन करके, मैं उसमें शोधन करके एक बात बता रहा हूँ आपको, सारी दुनिया पुण्य का उदय किसे मानती है और ज्ञानी किसे मानती है, बराबर, अज्ञानी किसे मानते हैं और ज्ञानी पुण्य का उदय किसे मानते हैं, ये समझना आप जरा। पहले एग्जाम्पल देता हूं, पुण्य के उदय में अच्छी पत्नी मिलती है कि खराब पत्नी मिलती है? सरल है प्रश्न है, डरो नहीं, बोल दो बिल्कुल निश्चल भाव से जो आप समझते हो, पुण्य के उदय में अच्छी संतान, अच्छा बिजनेस मिलता है या खराब?
पक्का है ना, ये तो सबके दिमाग में बैठी कि नहीं, बोलो ना कुछ, डरो मत, गलती निकल जाएगी, चेक एंड हाँ करेक्ट हो जाएगा, और क्या हो, ज्यादा एक बार गलती निकलेगी, देखो मेरी नजरों में इज्जत नहीं गिरेगी, अभी तो सर्वज्ञ आपको पहचानती है, वो गलती निकालनी है अपने को जो सर्वज्ञ पहचानते, मेरे करने से क्या होगा, मैं तो टिक मार कर दूंगा, जाओ जाओ लो बढ़िया छुट्टी, आप भी खुश हम भी खुश, ना ना। भगवान ने ये परिभाषा नहीं लिखी कि पुण्य के उदय में अच्छी पत्नी मिलती है, पत्नी जैसी भी मिलती है पुण्य के उदय में अच्छी लगती है और पाप के उदय में बुरी लगती है, समझ में आया कुछ, एक ही पत्नी एक ही जीवन पूरे भर अच्छी लगती है, कभी कभी तो ऐसे माथा पीट लेती मर गए कहां से किस्मत फूट गई, और कभी कभी कहते हैं चलो भैया अच्छी है बढ़िया संभालती है, नहीं नहीं होता, एक ही पत्नी कभी अच्छी लगती है और कभी नहीं, पक्का, अब तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुन, वेद विज्ञानी को कभी पाप का उदय नहीं आता, ये कहना था मुझे तो, नौए पूजा दीनी न कोई काम ना रे, अरे तू निंदा करता है, हमारी निंदा करता कब है जो हमें पाप का उदय लगे, हमारी कर, हमारी कर, पंडित जी हम आपकी इंसल्ट कर देंगे, मैंने कर के बता दम हो तो कर, तो तू यही तो कहेगा, गरीब है कंगाल है काला है ठिकना है दुबला है पतला है बेइज्जत है, बोल क्या क्या बोलना है, बोल बोल, प्रभु तुझे खबर है जो जिसे तू देखता है वो मैं नहीं हूं, छता ने अनछता करी दे, सुबह का पहला वाक्य था प्रवचन का आज, छता ने अनछता कर दे, बस ये ज्ञानी का कमाल है, आज भोजन में मीठू कम बढ़ हो जाए तो पहले नंबर मुस्कुराओ, पहले नंबर मुस्कुराओ, हाँ टेस्ट आ गया, आई एम रेडी, आई एम रेडी, अब देखो आपको संयम में मजा आएगा, अभी हम कहते नहीं ए आज ए मीठू नो त्याग, चलो ठीक है अभी एक दिन की बात है, मन मार के खा लिया, ना ना ये नहीं, तेरा मूल गलत है, मूल सही होता तो ऊपर भी जोरदार होता, मैंने अपने जीवन में कभी नमक का त्याग नहीं किया, शक्कर का त्याग नहीं किया, घी का त्याग नहीं किया, लेकिन जो आया मुस्कुरा के खाया बस, उसमें ऑटोमेटिक जब नमक नहीं आया तो भी स्माइल, जिस दिन शक्कर नहीं आई उस दिन भी स्माइल, जिस दिन घी नहीं आया उस दिन भी स्माइल, अब इतना मजा आता है माने लगता ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, क्यों, मांगना है नहीं, मांगना है नहीं, उठाना है नहीं, जैसा आया देखो, इट इज माई टेस्ट, जो भोजन आकर के मुझे परीक्षा करता है, कपड़े मेरी परीक्षा लेते हैं, जैसा कपड़ा मिला सहज भावे स्वीकार, शांत भावे स्वीकार, साक्षी भावे स्वीकार, क्यों, कर्म का उदय मारा थी जुदा छे, हूं तो ज्ञाता छू, हूं परमेश्वर छू, कपड़ा नो गुलाम न थी, भोजन नो जा, इंद्री विजय हो गई, संयम हो गया, संयम हो गया, इंद्री विजय हो गई, क्यों जीतने पर कैसा होता है, चलो भैया आज तो बिना नमक का खा लिया कोई बात नहीं है, आठम ना दिवस छे ने, ये ऐसे जीतता है तो, अरे क्रिकेट में जब जीतते हैं ना अंतिम रन लेकर के कैसे जीतते हैं, ऐसे चलो जीत गए ऐसे, हाँ ऐसे, कोई बुरा कहे वो तुझे लगना चाहिए विश्व कप जीत गए, तुझे कोई खाने पीने में गड़बड़ हुई हो तू शांत भावे भगवान आत्मा का वेदन करते करते चेतन का स्वाद लेते लेते तेने भोजन पूरा किया जीत गए, ऐसे तुझे तो खुश होना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए, इसको केयर करना चाहिए, बस अब आपका वो दर्शन मोह कट रहा है, पक्की बात है नहीं कटे तो मैं जिम्मेदार, नहीं कटे तो कह देना आप दर्शन मोह, नहीं कटे तो बोल देना भगवान नहीं बन जाओ तो बोल देना जाओ, और यदि ऐसे मार्ग से तेरे भगवान नहीं बने तो मेरा मोक्ष कभी ना हो, इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूं, और बोलो और क्या चाहिए, समझ में आया कुछ क्या कहा मैंने, हाँ कैसा सुंदर मार्ग, मान लिखा था ना भगवान नो मार्ग अगम्य छे पण सरल छे, अगम्य छे पण सरल छे, देखो अगम्य भी समझ में आ गया सूक्ष्मता ने और सरल लग गए, तो आज परीक्षा के लिए तैयार,
मैं कहूं कि नहीं कहूं, परीक्षा तो आएगी। अब फेल हो गए कि पास हो गए आपको जानना। बुरा कोई कहेगा ही, पाप पुण्य का उदय आएगा ही। पाप की पुण्य की परिभाषा क्या बताई थी, क्या बताई थी परिभाषा, कि तुझे बुरा लगता है ना ये पाप का उदय, और तुझे अच्छा लगता है ना ये पुण्य का उदय। मैं इस पर हजारों दृष्टांत दे सकता हूं आपको। खराब से खराब चीज तुझे अच्छी लगती है पुण्य का उदय। बोलो, एक आत्महत्या करना चाहता है आदमी और सही समय पर जहर मिल जाए, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो हैं, पुण्य का उदय है। क्यों? एकदम जहर की सीसी देखते से खुश हो गया, ओह गुड, टाइम पर मिल गया, थैंक्स गॉड। ले, समय पर जहर मिल गया उसे खुशी हो रही है, पुण्य का उदय। उल्टा मत समझना। ऐसे ही ज्ञानी की नजरों में पांच इंद्रियों का विषय भोग ये जहर है, अहंकार ये जहर है। ज्ञानी को खबर है, तुझे खबर नहीं है, तुझे तो पुण्य का उदय लगता है। जहर छे कालकूट जहर छे, विचार करना, बाकी चर्चा फिर करेंगे। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उज्जायान, नमो लोए संभसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणि, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्वे कल्याणकारकम्, प्रधानम् सर्वधर्माणाम्, जैनम् जयतु शासनम्, जैनम् जयतु। एक ही भी से चलेगा, ठीक है, थकते तो नहीं इससे, थकान उतारने वाला है कायदे से, तो थकान लगना नहीं चाहिए। सुबह से आगे बढ़ते हैं ना, दोपहर के बाद आगे बढ़ते हैं। मूल मार आप पढ़िए दो लाइनें, तो मैं सुनता हूँ कोरस, मुझे मजा आएगा। No.
बस बस अभी इतना ही समझ लें अपन। मूल का अर्थ किया था अपन ने, मार्ग का अर्थ किया, सांभड़ो इसका भी अर्थ किया। अभी अगला शब्द है जिन नौ। जिन नौ रे, पहले तो जिन का ही मतलब समझ लें तो फिर मजा आएगा अपने को। जिन मने कर विचार तो पाम, जिन मने क्या है, ओहो करोड़ों व्रत उपवास करने से भी संयम प्रकट नहीं होता और अपनी प्रभुता पहचानने पर इंद्रियों की विजय होती है, इंद्रियों की सहज विजय होती है, इंद्रियां जीत ली जाती हैं और इंद्रियों को परमात्मा के आश्रय से जीत लिया उनका नाम जिन। जिन्होंने कसाय को जीत लिया बे जिन, राग को जीत लिया बे जिन। ये थोड़ा नेगेटिव है, पॉजिटिव कहें तो आनंद, अनंत आनंद से भरे हुए जिन, अतीन्द्रिय स्व संवेदन से, प्रचुर स्व संवेदन से कभी ना रीतने वाले जिन, मेरी तो ऐसी इच्छा होती है। आपने समझ लिए ना, अब डायरेक्ट फेस टू फेस भगवान से बात करो, बात करो। हमें भक्ति में तब तक आनंद नहीं आ सकता, भक्ति में राग तब तक दिखाई देगा जब तक हमें भगवान दिखाई ना दे। जिन, जिन का अर्थ चल रहा है, जिन का है। थोड़ा सरल करूं, कठिन तो थोड़ा कठिन हो गया। जिन एटले जिन अर्थात एक हारा हुआ आदमी हो, हार गया हो, बहुत हार जाते हैं ना युद्ध में, और कोई विजेता हो और दोनों का मिलन हो, एक व्यक्ति अपनी सारी मिल्कियत साम्राज्य हार गया और एक व्यक्ति जीत गया हो, तो हारने वाला जीतने वाले का मिलन कैसा होता होगा, इमेज करो आप कैसा होता होगा। ऐसे लगता होगा बस तेरे ही जैसा जीतना सीखना है मुझे, मुझे भी तुम जैसे ही